हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेस किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि इंस्टेंट बन जाएगा और आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में किसी भी टाइम बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 2 ब्रेड स्लाइस, 50 ग्राम पनीर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव, 1/2 कप चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक नॉनस्टिक पैन ले लेना है। उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप देखेंगे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इस तरीके से हम अपने पनीर के पतले पतले स्क्वायर साइज कर लेंगे और उसे ग्रिल करने के लिए छोड़ देंगे। आप इस तरीके से अपने पनीर को दोनों तरफ से सेक लीजिए ब्राउन होने तक। देखिए हमारा पनीर एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से हम दोनों साइड से अपने पनीर को बहुत अच्छी तरीके से सेक लेंगे और निकाल कर साइड रख लेंगे। उसी पैन में हम दोबारा थोड़ा सा घी डाल देंगे और ब्रेड स्लाइस को रख देंगे। और ब्रेड स्लाइस को भी आप पनीर की तरह ही दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सेक लीजिए। आप ध्यान रखें जो हमारा ब्रेड है वो एकदम करारा होना चाहिए। आप इसको मीडियम हीट पे सेकिए। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत जल्दी सिक जाएगा। मीडियम हीट पे आप इसको सेकेंगे तो ये धीरे धीरे एकदम करारा हो जाएगा। हमारा ब्रेड दोनों साइड से एकदम करारा हो चुका है। हम उसको निकाल कर एक प्लेट पे रख लेंगे। इस तरीके से जो हमने अपना पनीर ग्रिल किया था वो उसको लगा लेंगे। आप देखिए मैं अपने चारों तरफ ब्रेड के पनीर लगा रही हूँ। और ऊपर से जो हमने आ रहा प्याज था उसको हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं लगा दूंगी। दोनों ब्रेड्स पे मैंने बारीक चॉप प्याज डाल दिए हैं। अब इस पे नमक स्प्रिंकल कर देंगे। काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर देंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ता से ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। आप देखिए हमारे ब्रेड स्टिक्स एकदम रेडी हो चुके हैं और ये कितना इजी है। और इस तरीके से एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ से किसी भी चीज़ से आप इसको पतला पतला लंबा लंबा स्टिक की तरह काट लीजिए और इसको सर्व कीजिए। ये हमारा इंस्टेंट ब्रेड स्टिक एकदम रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डिश ऑफ द डे को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें।